अनुपात और समानुपात पार्ट फोर चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 36:121 का वर्ग मूलानुपात है। वर्ग मूलानुपात इसका मतलब आपको वर्गमूल निकालना है, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। इसके बाद 121 का वर्गमूल कितना होगा? तो 11 होगा। यही काम आपको करना था, तो देख लीजिए ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है, 4 नंबर में सीरियल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 1:3 का घनानुपात कितना होगा? घनानुपात यानी कि घन का अनुपात। घन का मतलब क्या समझे? अगर कोई संख्या 2 दिया हुआ है तो इसको घन करने का मतलब कि पावर 3 देना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या है, 1 का घन 1 होगा और 3 का घन कितना होगा? 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 * 9 = 27, यानी कि 1:27 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा छोटा प्रश्न है और बेसिक प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा है 4, 8, 7 और एक है प्रश्न चिन्ह का चतुर्थानुपात क्या होगा, चौथा अनुपात क्या होगा, तब इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 4/8 बराबर 7/ यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। अब अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। देखिए काटते कैसे हैं, अगर ये दोनों में कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर ये दोनों में कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, ये दोनों में कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, और यहाँ पर भी ये दोनों में कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। काटने के लिए भी सीखना है, तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, 4 * 4 और 4 * 2 = 8, ये कट चुका है। अब आपको सिंपल में तिरछा तिरछी गुना करना है, तो प्रश्न चिन्ह एकम प्रश्न चिन्ह और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 * 7 = 14। देख लीजिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। बेसिक प्रश्न था, तो इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 2 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है, 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात, तो यहाँ पर वर्ग का अनुपात आपसे पूछा है। वर्ग, वर्ग करने का मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका आप वर्ग कर दीजिए, इसका भी आप वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, तो 4:9 यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 10 नंबर। देखिए इस तरह का प्रश्न को मैं सॉल्व करके पहले बता चुका हूँ, तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पर समझिए। 1 बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? देखिए यहाँ पर टोटल मूल्य दिया हुआ है ना, टोटल मूल्य अगर दिया हुआ है तो अनुपात को भी मूल्य में बदलना है, रुपया में बदलना है। अभी ये जो अनुपात है सिक्का का अनुपात है, तो रुपया में कैसे बदलेंगे? तो सिक्का को आप जैसे 25 पैसा, ये 25 पैसा है ना, और 25 पैसा का सिक्का कितना है, अनुपात में 1 है, तो 25 से गुना कर देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। 10 पैसा का सिक्का है और अनुपात में कितना सिक्का है, 2 है, तो 10 से अगर 2 में गुना कर देंगे तो टोटल रुपया मालूम हो जाएगा। और 5 पैसा का सिक्का और यहाँ पर 5 पैसा का सिक्का कितना है, 3 है, तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 पैसा का सिक्का का जो टोटल रुपया होगा वो मालूम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अनुपात को रुपया में बदलने के लिए डायरेक्ट गुना करना है, तो 25 * 25 हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद 10 * 20 हो जाएगा, इसके बाद 5 * 3 = 15 होगा, और इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए एक बार, जैसे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 * 5 = 25, इसके बाद 5 * 4 = 20, 5 * 3 = 15, ये अनुपात आपको मिल गया है रुपया का। निकालना किसका है, तो 10 पैसे का ना, तो आपको क्या करना है, टोटल रुपया लेना है, टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया 180, यहाँ पर समझिएगा, टोटल रुपया 180 गुना 10 पैसा का निकालना है ना, तो 10 पैसा का यहाँ पर अनुपात में कितना है वो आपको सबसे पहले समझना है। 10 पैसा का बीच वाला है ना, ये 4 है, तो
तो आपको यहाँ पर चार रखना है और बटे में अनुपात में जितना भी संख्या है उसको जोड़ के, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 3 12, यहाँ पर रखेंगे 12 और इसको काट देंगे 4 3 12 और 3 से काटेंगे तो 3 6 18 आ गया है कितना, 60। तो 60 जो आया है वो क्या आया है ये सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि हम लोग टोटल रुपया को यूज किए हैं और अनुपात जो है यहाँ पर हम लोग रुपया में बदले थे तो रुपया ही आया है, यानी कि 10 पैसा का जो सिक्का है उसका टोटल रुपया कितना है, तो 60 है। अब यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, यानी कि 60 को डिवाइड करना है 10 से, तो आपको सिक्का मालूम हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अच्छा से समझ लेना है, क्योंकि टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया 60 है, टोटल रुपया यहाँ पर 60 आया है, तो टोटल सिक्का कितना होगा, एक रुपया में 10 पैसा का कितना सिक्का होगा, 10 पैसा का पूछा है ना, यहाँ पर 10 पैसा का पूछा है, तो एक रुपया में 10 पैसा का 10 सिक्का होगा, तो 60 रुपया में कितना होगा, यहाँ पर आपको गुना करना होगा, तो 60 गुने 10 कर देंगे तो आ गया 600। ये काम करिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, अच्छा से सोच के समझ के गुना करना है कि भाग करना है ये समझ लेना है, ठीक है। तो 10 पैसा का जो टोटल रुपया था वो 60 आया था, तो पैसा कितना हो जाएगा, यानी कि सिक्का कितना हो जाएगा 10 पैसा का, तो 10 से गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 था, सॉरी दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तब दोनों संख्या को पहले हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है और ये योग दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिए टोटल योग कितना है दोनों का, 72 है। अगर आप पहली संख्या निकालना चाहते हैं तो 3 रख दीजिए और अनुपात में जो संख्या है उसको जोड़ के नीचे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 4 72 होता है, 18 4 72 और 18 3 54 आ गया ये पहली संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या निकालना है तो क्या, दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको वही काम करना है, 72 गुने दूसरी संख्या एक है ना अनुपात में, तो एक रखिए और अनुपात में जो संख्या दोनों है उसको जोड़ के नीचे रखिए, तो 4 से काटेंगे तो 18 4 72 18 1 18 तो आ गया दूसरी संख्या। अब ये दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कर दीजिए, ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो 1 10 14 14 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा ना, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14 6 बच गया। इसके बाद यहाँ पर कितना बच गया है, 4 बच गया, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 यानी कि 36, बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, इसमें क्या पूछा है, 27:8 का घनमूलानुपात यानी कि घनमूल निकालना है, ठीक है, घनमूलानुपात यानी कि घनमूल निकाल देना है। तो देखिए 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, जैसे आप 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 3 में से 1 को लेते हैं, घनमूल में 3 में से 1 को लिया जाता है, तो यहाँ पर घनमूल क्या हो जाएगा 27 का, 3 और 8 को भी आप तोड़ेंगे तो देखिए 2 × 4 4 × 8 यानी कि 3 में से आपको लेना है 1 ठो, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 3:2 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, यहाँ पर देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, यदि ए अनुपात बी 2:5 तथा बी अनुपात सी 3:4, तो ए अनुपात सी कितना होगा। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ए बटे सी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी लिखेंगे क्योंकि ए अनुपात सी निकालने के लिए बोला है ना, तो ए बटे सी लिखेंगे। अब इसको आपको लिखना कैसे है, ए बटे बी, बी बटे सी, ए से स्टार्ट करेंगे और नीचे में सी है ना, तो सी तक ही आपको जाना है, क्लियर है ना, अगर डी डी तक रहता तो डी तक जाते, ठीक है। देखिए ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये तो बी बी कट जाएगा ना, तो ए बटे सी ही मिलेगा ना, क्लियर हो गया होगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे ए बटे बी, तो ए बटे बी का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2/5 रख देंगे, तो 2/5। उसी तरीके से
बी बटे सी यहाँ पर देखिए, तो बी बटे सी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बी बटे सी, तो बी बटे सी रख देते हैं 3/4, तो यहाँ पर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो गुना कर देंगे। हाँ कट रहा है, 2 × 4 कितना आ जाएगा, तो ऊपर में 3 है और नीचे में ये 4 तो कट चुका है, 5 × 10 देखिए 3/10 आ गया है, तो 3:10 यहाँ पर देखिए। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 3:10 आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर है या नहीं। हाँ अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल क्या है, आप ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू आप निकाल के यहाँ से रख दीजिए। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको समझना है, आप इसको लिख सकते हैं ए बराबर 2b, 2b दिया हुआ है ना, तो आप सभी को ए के टर्म में रहने दीजिए, सभी को आप बी के टर्म में लिखिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर से, ए बराबर दिया हुआ है 2b, यानी कि ए को बी के रूप में रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को आप ले सकते हैं, ये दोनों को लेंगे तो क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि आपको बी के फॉर्म में लिखना है, तो 3c बराबर 2b है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2b/3 हो जाएगा, ये होगा ना। अब वैल्यू को रख देंगे, जैसे a का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं 2b, यहाँ पर देखिए a बराबर 2b लाए ना, तो यहाँ पर a के जगह में आप 2b रख दीजिए। इसके बाद b के जगह में, b को तो b ही रहने देना है क्योंकि b के रूप में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर c को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि c को आप लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पर b होगा ना, सभी में b है तो b कट जाएगा, जब b कट जाएगा तो क्या बच रहा है 2, यहाँ पर b कट गया तो 1 और यहाँ पर 2/3। लेकिन अब यहाँ पर बटे में 3 आ गया, तो 3 को हटाना है, 3 को हटाने के लिए क्या करना है, तो 3 से सभी में गुना कर दीजिए। जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब 1, 1, 3 का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 से ऊपर में गुना करिए, तो 3 से ऊपर में यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, इसके बाद अगर 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 × 6, तो देख लीजिए 6, अच्छा यहाँ पर तो कटेगा ना 6, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक कैसे हो रहा है समझने का प्रयास करिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 कटेगा ना, तो 2 बचेगा, यही मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग 3 से गुना किए तो क्या हुआ, 3 तो कट गया, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, सॉरी 2 लिखेंगे, 6 × 3 = 2 देख लीजिए कहाँ पर है, 6 × 3 = 2 6 × 3 = 2 तो यहाँ पर 6 × 3 = 2 राइट है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसमें मिश्रित अनुपात निकालना है। मिश्रित अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है ना, सिर्फ गुना करना है, जैसे 5:3 है तो 5/3 लिखिए, इसके बाद 6/4 है तो 6/4 लिख लीजिए, इसके बाद गुना में 2/3 लिख दीजिए, यही मिश्रित अनुपात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो कट रहा है उसको आप काट लीजिए, तो 2 × 4 ये कट रहा है और 2 × 3 = 6 और फिर 3 × 3 ये कट रहा है, तो क्या बच रहा है, 5/3, तो देख लीजिए 5/3 कहाँ पर है, तो 5/3 ए ऑप्शन सही है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अगर कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था।